हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम सभी का एक और नए व्लॉग में। पिछले 3-4 दिन से कोई व्लॉग नहीं बनाया, बट आई एम बैक। थोड़ा सा परेशान था, यूट्यूब वालों से थोड़ी सी लड़ाई हो गई मेरी। मैं बताऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वाला व्लॉग अगर देख रहे हो तो भाई मुझे, मैं तुम्हें बता दूं, मुझे तुम लोग की सपोर्ट की जरूरत है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे सारे व्लॉग्स देखा करो, लाइक करा करो, कमेंट करा करो, थोड़ा सा एंगेजमेंट बढ़ाओ। मेरी यूट्यूब वालों से थोड़ी बहस हो गई है, कोई बात नहीं, एक्सप्लेन कर दूंगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। अब कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। तो भैया ये देख लो, यहाँ पे मैंने किया हुआ है डीजेइंग का सेटअप। ये है मेरा DDJ FLX 400। ये है मेरा लेनोवो का लीजन लैपटॉप। इसके ऊपर मैंने रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है। ये सारा म्यूजिक यहाँ पे चलता है और ऐसे चलता है, बढ़िया चल जाता है। और भैया ये देख लो क्या आ गया है खाने को, जरा आपको दिखाता हूँ। तो भैया जरा ये देखो क्या आ गया है खाने को, यम्मी यम्मी चीजें खाने को आ गई है। OMG OMG भैया OMG। मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, जरा से क्लियर कर देता हूँ, जरा यहाँ से टेबल पे से थोड़ा सा सामान। बढ़िया सी चीजें खाएंगे, बहुत मजा उठाएंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, व्लॉग्स देखा करो अच्छे से, ठीक है। दूसरी बात, डीजेइंग कर रहा हूं उसके साथ साथ ये देख लो, यम्मी सा पोहा और यम्मी सी मूंगफली, यम्मी सी भुजिया, पोहे खा रहा हूं अभी। बढ़िया एंजॉय करेंगे। आज संडे है, फुल पावर बारिश हो रही है जयपुर में, फुल पावर जिसे कहते हैं ना, सर्दी के साथ में बारिश हो रही है। मतलब आज तो ठंड है और इतना हीटर चलाते हैं हम लोग सर्दी की वजह से। एक महीने का बिल आया है 18,000 रुपए का, सर्दियों में 18,000 रुपए का बिल आया है। मैं तुम लोग को दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट, अगर दिखा पाया, फोटो वोटो जो भी होगा। अभी तक हमारा बिजली का कनेक्शन का शॉर्ट नहीं हुआ है, लफड़ा जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। व्लॉग एंजॉय करो, है ना, तुम भी बोलते जोर से। ओके देख लो दोस्तों, ये देखो ऐसे प्ले करता हूं गाने। समझ गए? हाँ जी दोस्तों, अभी भी हम लोग किचन में काम कर रहे हैं। ये देखो खाना बन रहा है, यम्मी यम्मी सा प्याज। ये देखो ये प्याज आजकल हम इस वाले चॉपर में करते हैं। हाँ ये ले लो एक बार। पोहा मैं खाली करने वाला हूँ अभी इसमें, पर पहले ये वाली चीज को कौन की, टोफू की सब्जी बना रहे, टोफू की सब्जी, मसाला टोफू। ये अदरक, इसका काम हो गया है अभी सामने। ये देखो ये इसके ऊपर काट रहे हैं मसाले सारे। और मैं अभी पोहे खाली कर देता हूँ, बर्तन वॉश मैं करता हूँ और किचन को ओवरऑल सुधारने का काम मेरा है और पराठे बनाने का काम। और ये देखो, ये देखो यार क्या सब्जी बनने वाली है, यम्मी। बोलो बोलो। बोलते कि थोड़ा सा निकाल दूँ, ज्यादा है ना ये थोड़ा। नहीं नहीं सही है, निकाल ही सकते हैं। एक्चुअली थोड़ा ज्यादा है। देखो दोस्तों कितना सारा बना दिया मसाला। अब इस मसाले को हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं, बहुत सारा है यार ये, थोड़ा सा निकाल लेते हैं। इसमें ना हम लोग ये डाल देते हैं कोकोनट मिल्क, ये डलेगा फुल क्रीमी। हाँ दोस्तों हमारे पास में ये भी है, वीगन प्लांट बेस्ड बटर, प्लांट बेस्ड बटर भी है भाई, ये भी डाल सकते हैं इसमें, प्लांट बेस्ड बटर। दोस्तों राइस को भिगो दिया है, ये देख लो। राइस को अच्छे से वॉश करना पड़ता है भिगोने से पहले, नहीं तो बहुत सारा स्टार्च हो जाता है पानी में, तो इसको अच्छे से वॉश करना पड़ता है। वीगन पनीर बटर मसाला बन चुका है, मस्त दिख रहा है। अभी इसमें ये प्याज और शिमला मिर्च जाने वाली है, क्यूट लग रही है कितनी। कोकोनट मिल्क भी डल चुका है, यम्मी। ओके दोस्तों ये रहा टोफू मसाला और ये रहा राइस और ये रहा प्याज, यम 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 यम। और इसके साथ में चल रहा है नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स पे अभी ये चल रहा है, ये वाला।
बहुत जल्दी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमने पिछले 2-3-4 दिनों में जब हमने व्लॉग नहीं बनाया था तो हम लोगों ने नेटफ्लिक्स पे कौन कौन सी सीरीज देखी। तो दोस्तों ये मेरी मम्मी गुजरात से लेके आई है मेथी का थेपला, अभी ये खा रहा हूँ स्नैक्स, और इसके साथ में ये भी आया है देखो मैंगो पिकल। माधुरी दीक्षित जी बनी हुई है मैंगो पिकल के इस पैकेट पे, राम बंधु क्या बात है। A few moments later. हेलो दोस्तों, अरे अरे हेलो दोस्तों, अभी हम लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं और आज मैंने फाइनली मोबाइल को माउंट पे लगा दिया है और फ्रंट कैमरा से व्लॉगिंग कर रहा हूँ। मेरे पास में गोप्रो भी है, पता नहीं क्यों नहीं उससे व्लॉग करता मैं, है ना। फ्रंट कैमरा से व्लॉग करना राजी है पर गोप्रो निकालना राजी नहीं है। यंग सैटर्न सीधा जयपुर से, लेट्स गो लेट्स गो। जीतना मेरी आदत और मैं आदत से मजबूर, फूल कर दी तूने। मेरा नाम डब्लू दादा, डब्लू दादा क्योंकि विन करूं मैं, डब्लू में डब्लू में डब्लू दादा, डब्लू दादा क्योंकि विन करूं मैं बस डब्लू 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 या डब्लू। और भाई, और भाई और कैसी हो? बेस्ट, बढ़िया। मैं भी बढ़िया एकदम। देखो यहाँ पे आ गए। चलो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे कार्डियो, आ जाओ देख के आते हैं। सांप देख लेते हैं। हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, सेफ है क्या? देखते हैं। टीवी देख रहे हैं लोग, लोग यहाँ पे टीवी देख रहे हैं भाई। चलो मेरा एक वीडियो बन गया यहाँ से, ठीक है। ये देख, ये देखो कितना बड़ा गड्ढा हो रहा है, अभी पार्किंग रेडी नहीं है। A few moments later. तो दोस्तों ये देखो अभी चल रहा है अनार, रसीला अनार। ओ भाई जरा अनार की क्वालिटी देखो, ओ हो जूसी। और सामने चल रहा है नेटफ्लिक्स, हाँ भाई नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ इस टाइम। दोस्तों अभी देख लो किचन ऐसी लग रही है। काफी कुछ फैला हुआ है सामान, कोई बात नहीं अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या मंगवाया है। ब्लिंकिट से पीनट्स, इसके 1, 2, 3 और 4 पैकेट, वो मैंने एक खा लिया था पहले। ये है बादाम, बादाम मंगवाए देखो आधा किलो। और ये है काजू, काजू मंगवाए आधा किलो। और ये मंगवाया था रागी आटा, यम्मी यम्मी लगता है भाई मुझे रागी आटा, बट नॉर्मल आटे के साथ में। ये मंगवाया भाई विम, विम मंगवाया वो भी इतना बड़ा वाला पैकेट। एक कॉफी रखी थी रेज की, एक और रेज वाली कॉफी मंगवा ली भाई क्योंकि हम लोग को बहुत रेज है, गुस्से में पीते हैं हम लोग कॉफी। ये देखो ये बैटमैन वाला मेरा गमला, ये हमने पेंट किया था, ये सब है यहाँ पे रखा हुआ है, अभी ये सब जमा दूंगा। ये देखो भाई पालक, पालक इतना सारा, 1 किलो पालक, आज इसके बनेंगे पराठे। ये देखो भाई ये भी मंगवाया था मैंने, मैंने मंगवाया 5 किलो आटा और ये पूरा बाल्टी भर गया देखो। ये वाला, ये देखो फिर भी बच गया ये वाला आटा, ये वाला मंगवाया है देखो मैंने, मस्त लगता है मुझे। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत हेल्दी हेल्दी खा रहा हूँ, बहुत बढ़िया डाइटिंग करता हूँ। फ्रिज में भी देखो मेरे वेजिटेबल्स वगैरह रखी रहती है पूरा टाइम, ये देखो वेजिटेबल्स। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि मैं बहुत हेल्दी खाता हूँ, आपको मैं असलियत दिखाता हूँ, आप लोगों को मैं असलियत दिखाता हूँ। हेल्दी के नाम पे ये गैलेक्सी की चॉकलेट दिखी थी मुझे ब्लिंकिट पे, वीगन चॉकलेट, मैंने ये मंगवा ली दोस्तों और मैं ये पूरी खा गया। और मैंने एक नहीं मंगाई, मैंने 2 मंगवाई थी और मैंने दोनों की दोनों पूरी खा ली एक ही दिन में। बहुत ज्यादा चीनी खा ली दोस्तों, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं बता भी नहीं सकता। मैं
बहुत परेशान हूँ। कभी कभी ये जो डाइट खराब हो जाती है ना, उसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। मेरे को बनाने हैं मसल और बन जाता है फैट। अगर आपको फैट घटाना है तो अपने को चीनी कम करनी पड़ेगी, मैदा कम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़िया अभी पराठे बनाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ भैया क्या सीन है। पालक के पराठे बनाने वाला हूँ आज मैं, लेट्स गो। वेइंग स्केल पे नापने वाला हूँ आटा। इसके 100 ग्राम में होता है ऑलमोस्ट 12 या शायद 12 ग्राम प्रोटीन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। और मैं जो खाता हूँ, मैं खाता हूँ 200 ग्राम कम से कम आटा खाता हूँ, बहुत सारे पराठे खाता हूँ। तो बढ़िया एक मील इसकी बन जाएगी, फिर और मील्स प्लान करने हैं अपने को, प्रोटीन खाना है फुल पावर अपने को। तो दोस्तों इतना सा आटा होता है 100 ग्राम, इतने से आटे के अंदर होता है 12 ग्राम्स प्रोटीन। और अभी देखो मैं कितने के पराठे बनाने वाला हूँ। बाय द वे मैं इसके अंदर रागी आटा भी मिक्स करने वाला हूँ और चना सत्तू भी मिक्स करने वाला हूँ। इसको ना 500 कर देते हैं, अभी हो रहा है 400, इसको कर देते हैं 500, ये देखना। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो, मुझे आटा लगाने का बहुत शौक हो गया है, मुझे आटा लगाने का बहुत शौक पड़ गया है। बहुत आटा लगाता हूँ मैं आजकल, और अभी भी मैं आटा ही लगाने वाला हूँ, और बहुत तगड़े पराठे बनेंगे भैया इसके, देख लो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके अंदर मैंने है ना रागी आटा भी डाल दिया है, ये देख सकते हो आप, और ये चना सत्तू भी डाल दिया है। ठीक है भाई, और ये इस आटे के अंदर ये आ गया है पालक, ये पालक जो यहाँ पे बढ़िया सा भी मैंने आपको दिखाया था। भैया इसके अंदर डल गया है बेकिंग सोडा, नहीं सॉरी बेकिंग पाउडर, नॉट सोडा, बेकिंग पाउडर। एंड ये वाला नमक यूज़ करते हैं भैया हम लोग, ये देख लो ये वाला नमक यूज़ होता है हमारे फ्लैट पे, हिमालयन रॉक सॉल्ट, ये खाते हैं हम। ठीक है, तो अभी बढ़िया सा आटा लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ फाइनल कैसा दिखता है। ठीक है, तो मैं आटा लगाने वाला हूँ, 3 2 1 बूम, ये देखो आटा लग गया है, आटा लग चुका है, देख सकते हो आप लोग, क्या बात है भाई क्या बात है। और जरा यहाँ पे देख लो सब्जी बन गई है, जरा यहाँ पे देख लो सब्जी बन गई है, टोफू और पालक, ओहो। और जरा ये देखो यार ब्यूटी को देख लो जरा, ब्यूटी आटा, ये होता है ऑयल की वजह से, ये जो है ना ऑयल, इसमें डला है बढ़िया वाला ऑलिव ऑयल, बहुत बढ़िया वाला ऑयल, ऑलिव ऑयल देखो। ये हमारे कम से कम 2-3 दिन का मील प्रेप हो गया आटे का। ओवा बनाई बाटी से मेरी सनी डोल सी बाटी, ऐसे बनता है भाई ढाबे पे खाना, शनि दा ढाबा। और शनि दे ढाबे पे आ जाओ पालक दी भुर्जी 10 दिन में उनके किचन टूट जाती है, टूट जाता और इंडक्शन पे बना रहे ढाबे पे होते हुए। तो दोस्तों पराठे देख लो इतने सारे बन गए हैं ऑलमोस्ट, अब एक दो और बनाएंगे बस फिर डन। और अभी कॉफी भी बन गई है और बढ़िया सब्जी भी बन गए हैं और हमारा हमारा फूड रेडी है, हम लोग फुल फिटनेस करेगा आपसे, तुम लोगों के हुए अब से हम लोग हमारे फॉलोअर्स को मोटिवेट करेगा। ठीक है, अब से ठीक जो भी लड़का लड़की ये वीडियो देख रहा है हम लोग तुमको मोटिवेशन देगा। अरे बाप बड़ा ना भैया, अजी सबसे बड़ा रुपया, अजी बाप बड़ा ना भैया, अजी सबसे बड़ा रुपया, तू भी पैसा वे तमाशा रे पैसा वे, अजी किस्मत का खेल। टॉक टू द रिदम एंड टॉक टू द नाइट, टॉक टू द रिदम टॉक टू द नाइट, ये बोलती है ना। तो दोस्तों ये आ गया है खाना, पराठे सब्जी। और इस वाले ब्लॉग के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, अब से डेली व्लॉगिंग शुरू, सी यू टुमारो, हैप्पी फेब्रुअरी, वैलेंटाइंस डे का मंथ आ गया है, लव यू ऑल।